जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही देखा, सही सुना। आज हम लोग बात करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इंडियन आर्मी के बारे में बहुत हो गया सलमान, बहुत हो गया शाहरुख, बहुत हो गया पढ़ाई, बहुत हो गया ढिंचक ढिंचक ढिंचक। आज हम लोग सिर्फ ये वीडियो डेडिकेट करने वाले इंडियन आर्मी को। सो अंत तक आप लोग ये वीडियो देखें, आपको डेफिनेटली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि सबसे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। सो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। सो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, मेरे लिए नहीं से इंडियन आर्मी के लिए देखें। आपको काफ़ी दिलचस्प, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आपको काफ़ी गर्व होगी इंडियन आर्मी के ऊपर, अपने देश के ऊपर। सबसे पहले नंबर में जो आती है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आती है, वो है द सीएचआर ग्लेशियर वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड इज एट 5000 मीटर्स अबव दिस मेन सी लेवल ग्राउंडेड बाई इंडियन आर्मी। मतलब जो सीएचआर ग्लेशियर है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है अबव सी लेवल, जो कि 5000 मीटर अबव है। उस वो सराउंडेड किया हुआ है इंडियन आर्मी के द्वारा, जो कि काफ़ी ऊंची है सी लेवल से, राइट। सो नंबर टू जो निकल के आ रही है वो काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी गर्व होगी आपको, हम लोगों को, आपको ही नहीं हम लोगों सबको गर्व होगी इंडियन आर्मी के ऊपर। एंड वो है द इंडियन आर्मी नेम्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड की थी फॉर एक्सेप्टिंग द लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर व्हेन पाकिस्तान आर्मी ऑफ 93,000 सोल्जर्स सरेंडर इन 1970 इंडो पाकिस्तान वॉर। जब 1970 को इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स था वो सरेंडर कर लिया, अपने आप को भीगी बिल्ली समझ लिया, भीगी बिल्ली है भी समझ लिया नहीं, भीगी बिल्ली है पाकिस्तान की जो आर्मी है, एंड उन्होंने सरेंडर कर लिया इंडियन आर्मी के सामने कि भैया हमसे ना होगा, हम लोग हार मानते हैं आपके आके। सो ये काफ़ी गर्व की चीज़ है एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की गई है, सबसे ज़्यादा सोल्जर्स जो सरेंडर की है 93,000, राइट। सो नंबर थ्री पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो निकल कर आ रही है वो, हम किसी से कम नहीं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, हम किसी से कम नहीं, क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में है और एंड काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वेलफेयर स्कूल जो मिजोरम में है, वो यूके, यूएस, रसिया का जो आर्मी से उसको ट्रेन करती है। मतलब हम लोग सिर्फ ट्रेन होने नहीं जाते, यूके, यूएस, रसिया का जो आर्मी से वो भी ट्रेन होने आती है इंडिया में। सो नंबर फोर जो निकल के आ रही है, इंडियन आर्मी डजन रिक्रूट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। हम लोग इंडियन आर्मी में कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट। इंडियन जैसे अदर सेक्टर में होता है, मैं इस वीडियो पे बोल नहीं सकता, लेकिन आप लोग को पता है कि काफ़ी जॉब कैसे, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है, राइट। काफ़ी रिजर्वेशन भी होती है एंड काफ़ी दूसरे टाइप से भी जॉब मिलती है। सो आप लोगों को पता है, आप लोग समझदार है। सो इंडियन आर्मी में ये सब सिस्टम नहीं चलता है, SC ST ढंचक ढिंचक फंचक कुछ नहीं चलता है इसमें। नंबर फाइव जो निकल के आ रही है वो है, हम लोगों का जो इंडियन आर्मी है, जो हम लोग कंट्री है, कितनी वार्म है, कितनी काम है, कितनी अच्छी है, ये आपको इस जो मैं पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। एंड वो है, इंडियन आर्मी नेवर इनिशिएटेड वॉर विद एनी कंट्री और इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ मिलिट्री कॉम्ब। सो पहले से इंडियन आर्मी ने कभी किसी दूसरे देश को वार नहीं किया, जो कि चाइना करती है, पाकिस्तान करती है, उंगली करती है एंड उंगली टूट भी जाती है वो लोग, राइट। सो इंडियन आर्मी ने ये कभी से इनिशिएट नहीं किया है कि हम लोगों को पहले से बेवजह हम लोगों को किसी को उंगली करनी है, तो किसी को उंगली नहीं करती है। ये एक इंडियन आर्मी का, या हम लोगों को जो बोलते हैं, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि वी आर ऑनेस्ट टू अवर कंट्री एंड इंडियन आर्मी आर ऑनेस्ट टू इट्स देमसेल्फ ऑल्सो, कि अपने आप से भी ऑनेस्ट रहती है एंड देश से भी ऑनेस्ट रहती है। दूसरे कंट्री की तरह नहीं, पाकिस्तान और जैसे हो गया चाइना, उंगली नहीं करती, राइट।
नंबर सिक्स पॉइंट जो निकल के आ रही है वो है, इन अगस्त 1982 इंडियन आर्मी बिल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज द बेली ब्रिज इन लद्दाख। इन 1982 में जो अगस्त 1982 में इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो बेली ब्रिज बोली जाती है उसको बिल्ड किया इन लद्दाख में वैली में। सो ये था नंबर सिक्स। नंबर सेवन जो निकल के आ रही है वो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। तो इंडिया मोस्ट फेमस मिसाइल जो है, जो अग्नि मिसाइल जो है, थैंक्स टू APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने इतनी अच्छी मिसाइल इंडिया को दे के गई है, राइट। सो इसलिए उसको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के खिताब भी मिला है उसको, राइट। सो जो अग्नि मिसाइल है उसका जो टेस्टिंग हो रहा था पहली मरतबा या दूसरी मरतबा, तो अग्नि जो मिसाइल है वो फेल हुई थी, हम लोग अग्नि मिसाइल सक्सेसफुल नहीं हुई थी कुछ अटेम्प्ट्स में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट। तो जो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, रसिया, जो टॉप कंट्री है USA, UK, ये लोग काफ़ी मजाक उड़ाता था, राइट, अग्नि के बारे में, हम लोग देश के बारे में, राइट, काफ़ी हंसती थी, मजाक उड़ाती थी जब अग्नि मिसाइल फेल हुई थी, राइट। अभी टुडे अग्नि इज नॉट ओनली फियर्ड मिसाइल बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेट टारगेटिंग, बट ऑल्सो अग्नि 5 हैज एक्चुअली पुट इंडिया इन द इलाइट क्लब कंसिस्टिंग ऑफ रसिया, चाइना, USA एंड फ्रांस। अभी अग्नि 5 जो है वो इतनी पावरफुल है कि हम लोग जो इंडिया है वो इलाइट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में शामिल हो चुकी है, राइट। अग्नि 5 ये जो न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड डिज़ाइन की गई इंडिया में, राइट। सो ये तो काफ़ी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स है। सो मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। सो मेरे लिए नहीं सही, इस वीडियो को इंडियन आर्मी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जाते जाते एक इंडियन आर्मी को सलाम करके जाइए कि हम लोगों के लिए इतना कुछ करता है इंडियन आर्मी। सो आज मैं इस छोटी सी वीडियो को इंडियन आर्मी को डेडिकेट करना चाहता था। सो और एक बार इंडियन आर्मी को सलाम करते हुए मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, खुदा हाफिज़।